की जय। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये मन बड़ा चंचल, गीत सुर खुदा के तुम गा रही है, गीत सुर खुदा के तुम गाते किंतु मानवता यहाँ रो रही है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, आप लोग के बीच कुछ देर प्रस्तुत हूं। सदगुरु कबीर को आप सब जानते हैं। सदगुरु कबीर ने अपने जीवन को किस ढंग से जिया और कैसे जनमानस में अपना छाप छोड़ा, उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः साधना में बल्कि समाज को एक दिशा दी। समाज में जो आडंबर था, समाज में जो कुरीतियां थी, समाज में दोष थे, उन दोषों को हम लोग के बीच में रखे ही नहीं बल्कि स्वयं साधना परायण जीवन जिए और अपने साधना परायण जीवन में उन न जाने कितने लोगों को साधना में लगाए, भक्ति में लगाए और भक्ति में लगा करके लोगों के जीवन को कल्याण की ओर अग्रसर करें। ये हम सब जानते हैं। सदगुरु कबीर आज विश्व वंदनीय है। आज उसका वंदन क्यों करते हैं, क्यों याद करते हैं उनको? क्योंकि उनका ज्ञान चोखा था, खरा था। वो कहने में झिझकते नहीं थे, डरते नहीं थे, निडर थे। वो किसी से डरते नहीं थे। जो समाज में जो गलतियां थी, उन गलतियों को हम लोग के बीच में रख करके बताए हमको। ऐसी सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है साधना के लिए, हम सब के लिए। हम क्या करते हैं कि हम खुद देखें अपने आप को। हमको कबीर देखने नहीं आएंगे, बुद्ध देखने नहीं आएंगे। हम स्वयं अपने आप को देखें कि हम साधना के नाम पर, भक्ति के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। सदगुरु कबीर की पंक्ति है, को कहते हैं कि जो हमारा ये जीवन है वो किस प्रकार है, हीरे के समान। ये जीवन क्या है हमारा, ये हीरे के समान है। लेकिन हम हीरा समझते कहाँ हैं इसको।
हीरा नहीं समझ पा रहे हैं। हीरा में 56 पाल होते हैं और वो स्वयं में चमकदार होते हैं, लेकिन जो मानव जीवन क्या है, ये हीरे के समान है। लेकिन हम भक्ति हम करते हैं, हम अपने आप को भक्तिवान कहते हैं, हम भक्ति करने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। पहली बात, हम भक्ति किसका करें और भक्ति कैसे करें। हम सत्संग में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हम अपने आप को क्या मानते हैं, हम भक्ति करने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं। भक्ति करने का बहुत आधार है, बहुत साधन है, लेकिन क्या उन भक्तियों भक्ति करने से क्या हमारे मन में जो दोष है वो दूर हो जाता है, क्या हम में गलतियां है वो क्या दूर हो जाता है। भक्ति करने के साधन को हम देखें, जैसे हम कोई कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं ढोल मंजीरा लेकर के, इसको भी एक भक्ति का माध्यम बनाया गया। कहते कि हम भजन गाने जा रहे हैं, भजन करने जा रहे हैं, लोगों के चार लोग बैठ करके झांझ मजीरा बजा करके भजन गाते हैं, ये भी एक भक्ति है। लेकिन ऐसे भजन गाने मात्र से क्या ये भजन हो गया हमारे जीवन का, क्या हम भक्ति कर रहे हैं। ये भी एक भजन ही है, लेकिन जिन भक्ति से हमारे मन की निर्मलता, हमारा मन निर्मल ना हो, हमारे मन की कलिमस दूर ना हो, तो फिर भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात, हम कई भक्तिवान बनते हैं तो क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर के वहां अगरबत्ती जलाते हैं, फूलबत्ती जलाते हैं और मूर्ति के सामने देव आरती करते हैं। लेकिन जो हमारे मन में जो प्रश्न है, एक व्यक्ति क्या करते हैं, भक्तिवान बनने के लिए दिखाने के लिए क्या करता है, वो बड़ा पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है, और पैसा कमाने में क्या करता है, चही चौराहे पर जा करके एक बड़ा मंदिर बना देता है और मूर्ति का प्रतिष्ठापन कर देता है। और प्रतिष्ठापन करने क्या करता है, एक पंडित को वहां पूजा करने के लिए बिठा देता है। लेकिन क्या मंदिर बना लेने से और मूर्ति का स्थापना कर देने से और पंडित को पूजा करने के लिए रख देने से क्या उनके जीवन में भक्ति आ जाएगी। भक्ति कोई करता है, यदि मंदिर में पुजारी पूजा करता है तो किसका लाभ होगा, पंडित का लाभ होगा, क्योंकि पंडित सेवा कर रहा है। लेकिन कोई पैसे के बल पर भक्ति करना चाहे, हम मंदिर बनवा दे, पंडित रख दे पूजा करने के लिए, तो क्या हम भक्तिवान हो गए, क्या हमारा मन निर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसे भक्ति से काम ये करे, सेवा का काम करे, मैं कहता हूं कि ना करे ऐसी बात नहीं, करे सेवा का काम करे, धर्म का काम करे, लेकिन हम उससे आगे उठ करके आगे बढ़े, उससे हम यही हम रुके ना रह जाए। ये क्या है, एक सीढ़ी है, जैसे हम छत पर चढ़े तो छत पर चढ़ने के लिए क्या होती है, सीढ़ियां होती है, तो ये क्या है, भक्ति के प्रथम पायदान है, प्रथम सीढ़ी है। यदि हम ये भक्ति में हम ना लगे, जैसे कहे कोई कलपंथी है, कहते हैं, कहा जाता है और लोगों की मानसिकता भी बनी हुई है कि कबीरपंथी लोग भगवान नहीं मानते, कबीर साहब भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, ये मान्यता बनी हुई है। लेकिन मैं नहीं मानता, कबीर साहब भगवान मानते थे और कबीरपंथी भी भगवान मानते हैं, लेकिन उनका मानने का तरीका अलग है। वो कहीं मंदिर में बैठे हुए मूर्ति को भगवान नहीं मानते हैं, जो एक मक्खी को खेत हटाल ना पाए। भगवान कबीर साहब भगवान उनको मानते हैं जो प्राणी मात्र को, जो हमें कुछ दे सके, जिसकी हम सेवा कर सके, हम सबको, जो घर में देवी देवता है, जो घर में परिवार के लोग हैं, वही तो हमारे लिए देवी देवता है। देवता का अर्थ है क्या होता है, जो हमें कुछ दे। माता पिता हमें क्या देते हैं, हमें जन्म दिया, हमें भोजन दिया, हमारा पालन पोषण किया, ये क्या देवी देवता नहीं है, ये मानव मात्र ही देवी देवता है।
तो मैं कह रहा था कि मंदिर पैसा के बल पर हम मंदिर बनवा लेते हैं, मूर्ति की स्थापना करवा देते हैं, पंडित रख देते हैं, इतने मात्र से हमारा जीवन का कल्याण नहीं हो जाएगा। अच्छी बात है मंदिर में जाए, माथा टेके, कुछ न कुछ तो कर। मैं कहता हूँ जो कुछ नहीं करते उससे तो ठीक है, जो कम से कम मंदिर तो जाता है और वहाँ कम से कम अपने मन शांति के लिए, अपने मन को शांत करने के कुछ तो काम करता है, जो नहीं जाता है उसके लिए तो ठीक ही है, लेकिन वहीं अटके न रह जाए, उससे कहीं आगे बढ़े, तभी हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। और तीसरी बात है कि मंदिर, कुछ लोग तो मंदिर जाते, कुछ लोग क्या करते हैं भक्ति के नाम पर तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं। हम भक्ति को दिखाने के लिए, भक्ति करने के लिए क्या करते हैं, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं या और कहीं अन्य तीर्थों में जाते हैं, वहां स्नान करके समझते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम वैसे भक्ति करेंगे। लेकिन गंगा में स्नान करने मात्र से आपका मन निर्मल नहीं हो जाएगा, क्योंकि गंगा के पानी से क्या होता है, हमारा शरीर धुलता है, मन नहीं धुल जाता। और पाप कहाँ लगता है, मन में। पाप तो मन में ही लगता है ना, शरीर में तो पाप है नहीं, लेकिन गंगा क्या करती है, हमारे शरीर को धोता है। एक व्यक्ति था, गंगा स्नान करके बाहर निकला, और बाहर निकले क्या कर रहा था, बीड़ी पी रहा था, तंबाकू रगड़ रहा था। तो एक संत ने देखा उसको कि क्या कर रहे हो भाई, अभी तो आप गंगा स्नान करके निकल रहे हो और यही फिर आप बीड़ी पी रहे हो, दुर्व्यसन में फंस रहे हो। तो व्यक्ति क्या कहता है, महाराज जी आप नहीं जानते हैं, जो हम साल भर पाप करके हम आते हैं ना, तो एक बार गंगा में डुबकी लगाते तो हमारा सारा पाप कट जाता है और हमारे सारे पाप गंगा ले लेता है। तो संत ने कहा बड़ा आश्चर्य की बात है, जो आप साल भर पाप करते हैं वो गंगा आपके पाप को ले लेता है, तब तो ऐसे में गंगा भस्म हो जाएगी। तो जो संत थे उन्होंने कहा क्या, गंगा के पास गया, गंगा को पूछा, कहा कि आप हेलो भाई, जब माइक के पास को माइक बार रहना चाहिए, कहाँ चले जाते हो, माइक बंद है गो, चेक कर रहे हैं। बेटा अपन पर करो, दो तीन घंटा ही बात। बोले सतगुरु कबीर साहेब जय। तो मैं कह रहा था कि संत क्या किए, गंगा के पास गया, पूछा कि क्या आप लोगों के पाप को ले लेते हैं यहाँ। तो गंगा कहती है कि नहीं महाराज, मैं ऐसे करूंगी तो मैं भस्म हो जाऊंगी। मैं तो क्या करता हूँ, जो लोग मैं गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं पाप छोड़ते हैं, मैं क्या कहता हूँ उसको, गंगा सागर को दे देता हूँ। गंगा क्या कहती है, मैं गंगा सागर को सारे पाप को दे देती हूँ। और उसके बाद क्या किया, जो संत जन है वो गंगा से जाकर के क्या किया, फिर सागर के पास गए, सागर के पास जाकर के पूछा कि क्या गंगा ने जो लोगों के पाप को इकट्ठा किए थे वो आपके पास दे देते, आपके गंगा के पाप को रखे, लोगों के पाप को। तो सागर ने कहा कि मैं तो ऐसे रखूंगी तो मैं भी भस्म हो जाऊंगा, मैं तो जो पाप आता है उसको क्या करता हूँ, मैं आस को दे देता हूँ, बादल को दे देता हूँ, वास पर उड़ करके मैं बादल को दे देता हूँ। और सतजन फिर बादल के पास गया, उनको पूछा कि जो आप लोगों के पाप को आप रख के क्या करते हैं। तो बादल ने कहा कि जो काले काले जो दिख रहा है ना बादल, यही लोगों के पाप है, जब अधिक हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, जो लोग जिन लोगों ने गंगे के पास पाप छोड़ा था और सागर के पास आया और मेरे पास आया, मैं उन्हीं लोगों के पास बरसा देता हूँ। तो पुनः कहीं पाप जाता आता नहीं है, पाप छूटता कैसे है, पाप कर्म छोड़ने से।
कहीं गंगा नहाने से या मंदिर में जाने से या पूजा आदि करने से पाप कटता नहीं है, पाप कटेगा पाप कर्म छोड़ने से। अब ये कहाँ छूटेगा? जब हम अच्छे लोगों की संगत में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, तो पाप छोड़ने के लिए तो हम कुछ करते। मैं कह रहा था कि भक्ति, ये भी क्या है? ये भक्ति का एक साधन है। गंगा स्नान करना, तीर्थों में जाना, ये क्या है? साधन है। लेकिन और कुछ लोग क्या करते हैं? कथा कीर्तन करते हैं, भागवत कराते हैं, ये भी मैं एक साधन बता रहा हूँ कि भक्ति करने की ये क्या है? ये साधन है। भक्ति, हम भक्ति लाइन में लगने के लिए, साधना के मार्ग में लगने के लिए का एक आधार मानते हैं, आधार। लेकिन इन आधारों से क्या हम भक्तिवान बन पाते हैं? भागवत कराते हैं, कीर्तन करवाते हैं, कथा सुनते हैं, क्या इन कथाओं से, क्या इन मंदिरों में, तीर्थों में जाने से हमारा मन निर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि हो जाता है पूजा पाठ करने से, कर्मकांड करने से, तो बहुत अच्छी बात है, लगे रहना चाहिए। और यदि नहीं होता है, हम स्वयं देखें हमारे मन के क्रोध जो दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे मन की ईर्ष्या कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे मन में जो पाप है वो दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम स्वयं देखें, कोई दूसरा देखने वाला नहीं है। आप सत्संग में आते हैं, सत्संग में सुनते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन घर में जाकर के क्या करते हैं? हम वही लोभ करने लग जाते हैं, वही मोह करने लग जाते हैं, वही क्रोध करने लग जाते हैं। घर के लोग देखते हैं, परिवार के लोग देखते हैं, बेटे देखते हैं, बहू देखते हैं, पत्नी देखते हैं, बच्चे देखते हैं, वही क्रोध की बातें हम करने लग जाते हैं। तो हम जब सत्संग में आते हैं तो हमारे घर के लोग क्या समझे? हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे घर के जो अगवा है वो क्या कर रहे हैं? सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जाकर सीख करके कुछ बातें बताए हम लोग को बताएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? सत्संग में आ करके घर में जा करके वही क्रोध करते हैं। जरा भी कोई पत्नी कुछ कह देता है तो वही झुंझला जाते हैं, आवेश में बात करने लग जाते हैं। बेटे ने कुछ कहा तो उनको फ्री फटकार देते हैं। तो ऐसे यदि हम करते हैं तो सत्संग का रंग चढ़ेगा कैसे? कैसे चढ़ेगा? कौन कहेगी आप सत्संगी है? कौन कहेंगे आपको भक्तिवान है? भक्ति करना चाहिए। सतगुरु कबीर ने क्या कहा है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन करने के लिए बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम करना नहीं पड़ेगा आपको। आप सत्संग में नहीं आएंगे तो भी चलेगा, आप मंदिर में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, आप तीर्थों में नहीं जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन जो मन में जो तरंगे उड़ती है, तरंग क्या है? जैसे पानी में लहरें उड़ती है ना, ऐसे ही मन में तरंगी उड़ती है विकारों का, नाना विकारों का। हम द्वेष करने लग जाते हैं, पड़ोसी से द्वेष कर जाते हैं, घर वालों से द्वेष करने लग जाते हैं। लेकिन द्वेष करके आप किसी का नुकसान नहीं कर पाते, इतना आप समझिए। पड़ोसी के गाड़ी को देख करके, पड़ोसी के बंगले को देख करके, पड़ोसी के पत्नी को देख करके, पड़ोसी के और कुछ अच्छे सामान को देख करके हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि इतनी इनके पास कितना बढ़िया बंगला है, कितनी बढ़िया गाड़ी है। लेकिन क्या ईर्ष्या करने से सामने वाले का कोई कुछ नुकसान कर पाते हैं आप? जैसे माचिस की तीली, आप जानते हैं ना माचिस की तीली, वो क्या होती है, क्या करता है? वो पहले खुद जलती है तब दूसरे को जलाती है। ऐसे ही ईर्ष्या की आग है। हम द्वेष करते हैं, ईर्ष्या है करते हैं, तो ईर्ष्या की आग क्या है? हम स्वयं उसमें पहले जलते हैं, तब हम दूसरे को जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे ये ना समझिए हमारा दोष है, हम दूसरे को जला नहीं पाते बल्कि हम स्वयं उसमें जलते हैं। क्या दूसरे से ईर्ष्या करके क्या हम उसका नुकसान आज तक कोई कर पाया है? बल्कि ईर्ष्या न करके उस शक्ति को यदि हम अपने विकास में लगाएं तो हमारा एक उद्धार हो जाएगा, हमारा विकास हो जाएगा। हम दूसरे को जलाने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपनी संपत्ति को भी लगा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं दूसरे को नीचे दिखाने के लिए न जाने कितने कितने पैसे खर्च कर डालते हैं।
दूसरे को मारने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, लेकिन इनसे काम बनने वाला नहीं। इन सबको छोड़ना पड़ेगा। यदि हम भक्ति भक्तिमान बनना चाहते हैं तो मैं कह रहा था कि मन की तरंग, शत्रु कभी ने कहा मन की तरंग मार लो। ये मन की क्या है? मन में जो तरंगे उड़ती हैं नाना विकारों का, नाना दोषों का, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, ममता का, मोह का, यही तो विकार है, यही तो तरंगे है। इन तरंगों को मार ले। घर में है, सास बहुए हैं, परिवार में लोग हैं। सास बहू की तो प्रसिद्ध कहानी है, लोग जानते हैं, बताते हैं। लेकिन सास बहू को अगर बेटी समझ ले और बहू सास को माँ समझ ले तो सारे झगड़ा के फसाद यही मिट जाएगा। लेकिन होता क्या है, मैं कहानी के माध्यम से बताऊं आपको। एक नई नई लड़की की शादी हुई थी, वो थोड़ा बोलने में थोड़ा तेज थी लड़की, ज्यादा करकशा थी, वो अपने आप को बहुत तेज समझती थी। शादी हुई, ससुराल गई और संयोग ऐसा कि उस लड़की को उनके सास जैसे अपने आप को लड़की समझती, सर समझती थी, लेकिन उस बहू को, उस लड़की को सास कैसे मिली? सवा शेर मिल गई। शेर की क्या मिल गई? सवा शेर मिल गई। अब हो के दोनों में जब ससुराल गई तो सास बहू में ठनी नहीं, वो दो बात कहती तो वो दो बात कहती, ऐसे ही दोनों में क्या हुआ, एक दूसरे में घमासान होने लग गया, बात बात में लड़ाई होने लग गई, दोनों अशांत रहने लग गए। एक दिन क्या हुआ, उनके पिताजी, जो लड़की के पिताजी थे, वैद्य था, उस जब अपने मायके गई तो पिताजी को कहा कि पिताजी मेरे जो सास है वो मुझसे बहुत लड़ती है, बहुत झगड़ती है, ऐसे कर कुछ ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं सास को दे दूं और सास की राम नाम सत हो जाए। तो उनके पिता बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा बेटी ऐसे करना, डायरेक्ट आप कहीं एक ही बार में कोई दवा दे दे और सास आपका राम नाम सत हो जाए, कहीं संसार से चला जाए तो आपके ही नाम बदनाम हो जाएंगे आप। ये देखो नई नई बहू आई, ना जाने क्या खिला दी और इस संसार से प्लान कर गई, तो आप बदनाम हो जाएगा, ऐसे करना मैं एक पुड़िया बना देता हूँ जिसको स्रो पाइजन कहा जाता है। धीरे धीरे आप धीरे धीरे एक महीना तक में, एक महीना आप दवाई देंगे तो आपकी जो सास है, सासू माँ जो है, वो इस संसार से प्लान कर जाएगी। और उन्होंने 30 दिन की पुड़िया, 30 पुड़िया बना करके अपनी बेटी को दे दी। अब क्या करती, उसी बीच में अब फिर मायके चली गई, अपने ससुराल चली गई लड़की। अब वो धीरे धीरे क्या करती, चाय के साथ या दूध के साथ में उस पुड़िया को घोल करके वो अपने सास को पिलाने लगी। अब सास, अब लेकिन उनके पिताजी एक बात और कहा था, आपके तो सास तो इस दुनिया से चली ही जाएगी और कुछ दिन का ही मेहमान है, लेकिन आप ऐसे करना उनकी सेवा सत्कार में कमी मत करना, क्योंकि कुछ दिन के मेहमान है, कुछ दिन ही आपको करना है, तो उनके सेवा करना, अच्छे अच्छे बना के खिलाना, कपड़े धो देना, उनके हाथ पाँव में तेल लगाना, हाथ पाँव दबाना, ये सब काम करना, उनकी अच्छी सी सेवा करना। तो बहू भी क्या करने लगी, वो एक दिन चाय में पुड़िया घोल घोल के उनको देती थी और नहाने के लिए गर्म पानी, कपड़े धो देता, अच्छे अच्छे बना बना के खिलाने लगी और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात करने लग गई बहू। अब बहू को खुश हो गई कि अब कुछ दिन के ही साथ मेहमान है, मुझे तो सेवा करना है। लेकिन अब हुआ क्या कि उनके सास जो है, उनके बहू के व्यवहार को देखा, बदला हुआ व्यवहार देखा, जब से वो मायके से आई है तब से बड़ी सेवा कर रही है, अच्छे अच्छे बना के खिला रही है, तो उनके मन में, सास के मन में भी परिवर्तन आया और बहू को ना बहू ना कहकर क्या कहने लगी, अब बेटी कहने लग गई, वाह बेटी तुम तो बहुत सेवा करने लग गई और मीठी मीठी बात करने लगी। और धीरे 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 सास और बहू में क्या हुआ, मित्रता होने लग गई। अब सास बहू को बेटी कहने लग गई और बहू सास को माँ कहने लग गई। अब वो सास और बहू नहीं रह गया, 15 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया, अब बेटी सोचती, बहू सोचती कि सासू माँ तो और चंगाई होते जा रही है, क्या बात है, तो तू बीमार पड़ने के नाम नहीं रही है। अब धीरे धीरे समय बीता, बीतते गया, दोनों में प्रगाढ़ प्रेम बन गया। अब वो सास और बहू न रह गए, क्या बन गए, वो माँ और बेटी बन गए। अब वो
अब दौड़े दौड़े अब ये हुआ कि अब जब प्रेम बढ़ जाता है ना, जब कोई प्रेमी होता है, जब कोई हम जिससे हम प्रेम करते हैं, यदि उसको हम कुछ हो जाए या उसके लिए अनहित सोच कर कितना हम दुखी होते हैं, ऐसे ही वो बड़ा दुखी होने लग गई बहू। और दौड़े दौड़े अब क्या किया, अपने माँ अपने पिता के पास गई और उनके चरणों में गिर करके बोलने लगी, पिताजी पिताजी मुझे बहुत भूल, बहुत बड़ी भूल हो गई, आपने जो दवाई दी थी जहर की दवाई दी थी, उनके कोई मारक कोई दवाई दीजिए, जो मेरी सासू माँ है वो इस दुनिया से ना जाए बल्कि वो मेरी माँ बन करके रहे। तब उनके पिताजी ने कहा, बेटी मैं जानता था ऐसे ही होगा, बल्कि जो आपने जो मैं पुड़िया दिया था ना आपको जहर के नाम से, वो शक्कर के चीनी को पीस करके मैं पुड़िया बनाकर दी थी, मैं जानता था कि ऐसे ही होने वाला है। ऐसे ही यदि हम अपने मन की जो तरंग, सद्गुरु कबीर ने कहा कि मन की तरंग मालो, ये तरंगे उड़ती है हमारे मन में, घर के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, इन लोगों के बीच में हम रहते हैं जो हमारे सहयोगी हैं, हमें सहयोग करते हैं। क्या घर परिवार के लोग हमारे सहयोग नहीं करते हैं? क्या पड़ोसी लोग हमारे सहयोग नहीं करते हैं? यदि हम घर में सभी काम काम करने लग जाएं, हम ही नौकरी करें, हम ही व्यापार करें, घर का साफ सफाई करें, सब काम को हम यदि करने लग जाएं तो परेशान हो जाएंगे। हम ही खाना बनाएं, एक खाना बनाता है, एक कपड़े धोता है, एक कोई झाड़ू पोछा करता है, तो क्या होता है, काम बढ़ जाता है और सरलता होता है जीवन जीने में, सहयोग मिलता है हमें। पत्नी ना हो या पति ना हो तो क्या जीवन अच्छे रूप में चल सकता है? नहीं चल सकता। लेकिन हम सोचे, जो हम द्वेष कहाँ कर रहे हैं, ईर्ष्या कहाँ कर रहे हैं, किसके लिए हम जलन कर रहे हैं, वही उसी के लिए जो हमारे लिए सहयोगी है, जो हमारे लिए हितकारी है, जो हमारा हित चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। परिवार के लोग ही हमें साथ दे सकता है, घर के लोग ही हमें साथ दे सकता है, उनके साथ हम वैर विरोध करें? कैसी हमारी साधना, कैसा हमारा सत्संग है, क्या हम पूजा पाठ कर रहे हैं? यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं और घर के लोगों से राग द्वेष कर रहे हैं तो हमारा पूजा पाठ करने का कोई लाभ नहीं है, सत्संग करने का कोई लाभ नहीं है। तो मन की तरंग मान लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जो बुरी आदतें हैं, बुरी खान पान गलत है हमारा, गलत सोच है, उनको हम सुधार लें। सद्गुरु कबीर यही कहना है कि हम जो हमें जो गलत लगता है, जैसे शराबी को देखते हैं, जुआरी को देखते हैं या और कहीं दुर्व्यसन को देखते हैं, तो हमको जब गलत लगता है उन गलत बातों को हम छोड़े, दूसरे को करने न दे और ना ही स्वयं करें। तो मैं कह रहा था कि हम भक्ति की ओर आगे बढ़े, तो भक्ति करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, मैं बताया ना कि मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करते हैं किस लिए, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को चेताने के लिए कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं वेद शास्त्रों का ज्ञानी हो गया, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। आप अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर, शास्त्रों में तो नीति की बात बताई गई है, धर्म की बात बताई गई है, लेकिन हम शास्त्रों को पढ़कर भी क्या अधर्मी बने रहेंगे, इससे काम बनने वाला नहीं है। यदि हम अध्ययन करते हैं तो अपने कल्याण के लिए, अपने आप के लिए, लेकिन हम करते वही करते में करने में ही हम चूक जाते हैं। इसलिए जो हम करना चाहते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो हम भजन में लगे, सही दिशा में लगे। यदि हम भजन करते हैं तो हमारा निर्मल मन निर्मल होना चाहिए, हमारे मन में जो दोष है, जो दुर्गुण है, गलत आदतें हैं, वो दूर होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं बताएगा, हम खुद आकलन करें। हम सत्संग में जाते हैं, संतों के ज्ञान की बातों को सुनते हैं, और घर में जा करके हम कितना सुधार कर रहे हैं हम तो जानते ही जानते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी, हमारे घर के लोग भी बता सकते हैं कि आप कितने सत्संगी हैं, आप कितना सुधार कर पा रहे हैं।
और यदि ये सुधार ना हो, अगर सुधार ना हो पाएगा तो फिर सत्संग करने का, अध्ययन करने का, पूजा पाठ करने का कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आज बड़े सौभाग्य है हम सबका जो संत जनों के बीच आए और सत्संग का लाभ ले रहे हैं, और इन सत्संग में हम ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। ना पूरा सुधारने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन धीरे 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 थोड़े थोड़े एक एक गलती को हम देखते जाएं, एक एक गलती को सुधार करते जाएं, तो निश्चित ही हम भी अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल बना सकते हैं, हम भी अपने मन को निर्मल बना सकते हैं। तो सत्संग में आकर के हम एक संकल्प ले, आज हम एक संकल्प लेकर के इस सत्संग से जाएं कि हम जो संत जन बताए हुए हैं उससे हम अपने जीवन का कल्याण करने का काम करें, कल्याण करने का काम करने का एक संकल्प लेकर के जाएं, हम अपने जीवन को संवारने का काम लेकर। जीवन तभी अच्छा बनेगा जब हम अपने विचारों को अच्छा करेंगे, हम अपने विचारों को अच्छा बनाएंगे तो हमारा मन भी अच्छा बनेगा, और मन भी अच्छा बनेगा तो फिर जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा। और आप सबका जीवन कल्याणमय हो, सुंदर बने, अच्छा बने, आप सब कल्याण मार्ग के प्रशस्त हो, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया साहब जी ने बड़ी सादा सरल भाषा में जो लोगों के पाप को इकट्ठा किए थे वो आपके पास दे देते, आपके आपके गंगा के पाप को रखे, लोगों के पाप को। तो सागर ने कहा कि मैं तो ऐसे रखूंगी तो मैं भी भस्म हो जाऊंगा, मैं तो जो पाप आता है उसको क्या करता हूँ, मैं आस को दे देता हूँ, बादल को दे देता हूँ, वाष्प में उड़ करके मैं बादल को दे देता हूँ। और संत जन फिर बादल के पास गया, उनको पूछा कि जो आप लोगों के पाप को आप रख के क्या करते हैं। तो बादल ने कहा कि जो काले काले जो दिख रहा है ना बादल, यही लोगों के पाप है। जब अधिक हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, जो लोग जिन लोगों ने गंगा के पास पाप छोड़ा था और सागर के पास आया और मेरे पास आया, मैं उन्हीं लोगों के पास बरसा देता हूँ। तो पुनः कहीं पाप जाता तो नहीं है, पाप छूटता कैसे है, पाप कर्म छोड़ने से। कहीं गंगा नहाने से या मंदिर में जाने से या पूजा आदि करने से पाप कटता नहीं है, पाप कटेगा पाप कर्म छोड़ने से। अब ये कहाँ छूटेगा, जब हम अच्छे लोगों की संगत में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे। तो पाप छोड़ने के लिए तो हम कुछ करते, मैं कह रहा था कि भक्ति, ये भी क्या है, ये भक्ति का एक साधन है। गंगा स्नान करना, तीर्थों में जाना, ये क्या है, साधन है। लेकिन और कुछ लोग क्या करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, भागवत कराते हैं, ये भी मैं एक साधन बता रहा हूँ कि भक्ति करने की ये क्या है, ये साधन है। भक्ति, हम भक्ति लाइन में लगने के लिए, साधना के मार्ग में लगने के लिए का एक आधार मानते हैं, आधार। लेकिन इन आधारों से क्या हम भक्तिवान बन पाते हैं, भागवत कराते हैं, कीर्तन करवाते हैं, कथा सुनते हैं, क्या इन कथाओं से, क्या इन मंदिरों में तीर्थों में जाने से हमारा मन निर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो जाता है पूजा पाठ करने से, कर्मकांड करने से, तो बहुत अच्छी बात है, लगे रहना चाहिए। और यदि नहीं होता है, हम स्वयं देखें हमारे मन के क्रोध जो दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे मन की ईर्ष्या कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे मन में जो पाप है वो दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम स्वयं देखें, कोई दूसरा देखने वाला नहीं है। आप सत्संग में आते हैं, सत्संग में सुनते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन घर में जाकर के क्या करते हैं, हम वही लोभ करने लग जाते हैं, वही मोह करने लग जाते हैं, वही क्रोध करने लग जाते हैं। घर के लोग देखते हैं, परिवार के लोग देखते हैं, बेटे देखते हैं, बहू देखते हैं, पत्नी देखते हैं, बच्चे देखते हैं, वही क्रोध की बातें हम करने लग जाते हैं। तब हम जब सत्संग में आते हैं तो हमारे घर के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे घर के जो अगवा है वो क्या कर रहे हैं, सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जाकर सीख करके कुछ बातें बताए हम लोग को बताएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, सत्संग में आकर के घर में जा करके
वही क्रोध करते हैं। जरा भी कोई पत्नी कुछ कह देता है तो वही झुंझला जाते हैं, आवेश में बात करने लग जाते हैं। बेटे ने कुछ कहा तो उनको फ्री फटकार देते हैं। तो ऐसे यदि हम करते हैं तो सत्संग का रंग चढ़ेगा कैसे? कैसे चढ़ेगा? कौन कहेगी आप सत्संगी है? कौन कहेंगे आपको भक्तिवान है? भक्ति करना चाहिए। सतगुरु कबीर ने क्या कहा है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन करने के लिए बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम करना नहीं पड़ेगा आपको। आप सत्संग में नहीं आएंगे तो भी चलेगा, आप मंदिर में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, आप तीर्थों में नहीं जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन जो मन में जो तरंगे उड़ती है, तरंग क्या है, जैसे पानी में लहरें उड़ती है ना, ऐसे ही मन में तरंगे उड़ती है विकारों का, नाना विकारों का। हम द्वेष करने लग जाते हैं, पड़ोसी से द्वेष कर जाते हैं, घर वालों से द्वेष करने लग जाते हैं। लेकिन द्वेष करके आप किसी का नुकसान नहीं कर पाते, इतना आप समझिए। पड़ोसी के गाड़ी को देख करके, पड़ोसी के बंगले को देख करके, पड़ोसी के पत्नी को देख करके, पड़ोसी के और कुछ अच्छे सामान को देख करके हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि इतनी इनके पास कितना बढ़िया बंगला है, कितनी बढ़िया गाड़ी है। लेकिन क्या ईर्ष्या करने से सामने वाले का कोई कुछ नुकसान कर पाते हैं आप? जैसे माचिस की तीली, आप जानते हैं ना माचिस की तीली, वो क्या होती है, क्या करता है वो पहले खुद जलती है तब दूसरे को जलाती है। ऐसे ही ईर्ष्या की आग है। हम द्वेष करते हैं, ईर्ष्या है करते हैं, तो ईर्ष्या की आग क्या है, हम स्वयं उसमें पहले जलते हैं तब हम दूसरे को जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे ये ना समझिए हमारा दोष है, हम दूसरे को जला नहीं पाते बल्कि हम स्वयं उसमें जलते हैं। क्या दूसरे से ईर्ष्या करके क्या हम उसका नुकसान आज तक कोई कर पाया है? बल्कि ईर्ष्या न करके उस शक्त को यदि हम अपने विकास में लगाएं तो हमारा एक उद्धार हो जाएगा, हमारा विकास हो जाएगा। हम दूसरे को जलाने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपनी संपत्ति को भी लगा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं दूसरे को नीचे दिखाने के लिए न जाने कितने कितने पैसे खर्च कर डालते हैं, दूसरे को मारने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। लेकिन इनसे काम बनने वाला नहीं, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। यदि हम भक्तिमान बनना चाहते हैं तो मैं कह रहा था कि मन की तरंग, शत्रु कभी ने कहा मन की तरंग मार लो। ये मन की क्या है, मन में जो तरंगे उड़ती हैं नाना विकारों का, नाना दोषों का, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, ममता का, मोह का, यही तो विकार है, यही तो तरंगे है। इन तरंगों को मार ले। घर में है, सास बहुएं हैं, परिवार में लोग हैं, सास बहू की तो प्रसिद्ध कहानी है, लोग जानते हैं, बताते हैं। लेकिन सास बहू को अगर बेटी समझ ले और बहू सास को माँ समझ ले तो सारे झगड़े के फसाद यही मिट जाएगा। लेकिन होता क्या है, मैं कहानी के माध्यम से बताऊं आपको। एक नई लड़की की शादी हुई थी, वो थोड़ा बोलने में थोड़ा तेज थी लड़की, ज्यादा करकसा थी, वो अपने आप को बहुत तेज समझती थी। शादी हुई, ससुराल गई और संयोग ऐसा कि उस लड़की को उनके सास जैसे अपने आप को लड़की समझती, सर समझती थी, लेकिन उस बहू को, उस लड़की को सास कैसे मिली, सवा शेर मिल गई। शेर की क्या मिल गई, सवा शेर मिल गई। अब हो के दोनों में जब ससुराल गई तो सास बहू में ठनी नहीं, वो दो बात कहती तो वो दो बात कहती, ऐसे ही दोनों में क्या हुआ, एक दूसरे में घमासान होने लग गया, बात बात में लड़ाई होने लग गई, दोनों अशांत रहने लग गए। एक दिन क्या हुआ, उनके पिताजी, जो लड़की के पिताजी थे, वैद्य थे, उस जब अपने मायके गई तो पिताजी को कहा कि पिताजी मेरे जो सास है वो मुझसे बहुत लड़ती है, बहुत झगड़ती है, ऐसे करके कुछ ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं सास को दे दूं और सास की राम नाम सत्य हो जाए। तो उनके पिता बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा बेटी ऐसे करना, डायरेक्ट आप कहीं एक ही बार में कोई दवा दे दे और सास आपका राम नाम सत्य हो जाए, कहीं संसार से चला जाए तो आपके ही नाम बदनाम हो जाएंगे आप। ये देखो नई नई बहू आई, न जाने क्या खिला दी और इस संसार से प्लान कर गई।
तो आप बदनाम हो जाए कैसे करना, मैं एक पुड़िया बना देता हूँ जिसको स्लो पॉइजन कहा जाता है। धीरे धीरे आप धीरे धीरे एक महीने तक में एक महीने आप दवाई देंगे तो आपकी जो सास है सासू माँ जो है वो इस संसार से पलायन कर जाएगी। और उन्होंने 30 दिन की पुड़िया 30 पुड़िया बना करके अपनी बेटी को दे दी। अब क्या करती, उसी बीच में अब फिर मायके चली गई, अपने ससुराल चली गई लड़की। अब वो धीरे धीरे क्या करती, चाय के साथ या दूध के साथ में उस पुड़िया को घोल घोल करके वो अपने सास को पिलाने लगी। अब सास, अब लेकिन उनके पिताजी एक बात और कहता, आपके तो सास तो इस दुनिया से चली ही जाएगी, अब कुछ दिन का ही मेहमान है, लेकिन आप ऐसे करना उनकी सेवा सत्कार में कमी मत करना, क्योंकि कुछ दिन के मेहमान है, कुछ दिन ही आपको करना है, तो उनके सेवा करना, अच्छे अच्छे बना के खिलाना, कपड़े धो देना, उनके हाथ पाँव में तेल लगाना, हाथ पाँव दबाना, ये सब काम करना, उनकी अच्छी सी सेवा करना। तो बहू भी क्या करने लगी, वो एक दिन चाय में पुड़िया घोल घोल के उनको देती थी और नहाने के लिए गर्म पानी, कपड़े धो देता, अच्छे अच्छे बना बना के खिलाने लगी और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात करने लग गई बहू। अब बहू को खुश हो गई कि अब कुछ दिन के ही साथ मेहमान है, मुझे तो सेवा करना है। लेकिन अब हुआ क्या कि उनके सास जो है उनके बहू के व्यवहार को देखा, बदला हुआ व्यवहार देखा, जब से वो मायके से आई है तब से बड़ी सेवा कर रही है, अच्छे अच्छे बना के खिला रही है, तो उनके मन में, सास के मन में भी परिवर्तन आया और बहू को ना बहू ना कहकर क्या कहने लगी, अब बेटी कहने लग गई, वाह बेटी तुम तो बहुत सेवा करने लग गई और मीठी मीठी बात करने लगी। और धीरे 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 सास और बहू में क्या हुआ, मित्रता होने लग गई। अब सास बहू को बेटी कहने लग गई और बहू सास को माँ कहने लग गई। अब वो सास और बहू नहीं रह गया, 15 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया, अब बेटी सोचती बहू सोचती कि सासू माँ तो और चंगाई होते जा रही है, क्या बात है, तो तू बीमार पड़ने के नाम नहीं रही है। अब धीरे धीरे समय बीता, बीतते गया, दोनों में प्रगाढ़ प्रेम बन गया। अब वो सास और बहू न रह गए, क्या बन गए, वो माँ और बेटी बन गए। अब वो अब दौड़े दौड़े अब ये हुआ कि अब जब प्रेम बढ़ जाता है ना, जब कोई प्रेमी होता है, जब कोई हम जिससे हम प्रेम करते हैं, यदि अब उसको हम कुछ हो जाए या उसके लिए अनहित सोचकर कि कितना हम दुखी होते हैं, ऐसे ही वो बड़ा दुखी होने लग गई बहू। और दौड़े दौड़े अब क्या किया, अपने माँ अपने पिता के पास गई और उनके चरणों में गिर करके बोलने लगी, पिताजी पिताजी मुझे बहुत भूल, बहुत बड़ी भूल हो गई, आपने जो दवाई दी थी जहर की दवाई दी थी, उनके कोई मारक कोई दवाई दीजिए, जो मेरी सासू माँ है वो इस दुनिया से ना जाए बल्कि वो मेरी माँ बन करके रहे। तब उनके पिताजी ने कहा, बेटी मैं जानता था ऐसे ही होगा, बल्कि जो आपने जो मैं पुड़िया दिया था ना आपको जहर के नाम से, वो शक्कर के चीनी को पीस करके मैं पुड़िया बनाकर दी थी, मैं जानता था कि ऐसे ही होने वाला है। ऐसे ही यदि हम अपने मन की जो तरंग, सद्गुरु कबीर ने कहा कि मन की तरंग मालो, ये तरंगे उड़ती है हमारे मन में, घर के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, इन लोगों के बीच में हम रहते हैं जो हमारे सहयोगी हैं, हमें सहयोग करते हैं। क्या घर परिवार के लोग हमारे सहयोग नहीं करते हैं? क्या पड़ोसी लोग हमारे सहयोग नहीं करते हैं? यदि हम घर में सभी काम काम करने लग जाएं, हम ही नौकरी करें, हम ही व्यापार करें, घर का साफ सफाई करें, सब काम को हम यदि करने लग जाएं तो परेशान हो जाएंगे। हम ही खाना बनाएं, एक खाना बनाता है, एक कपड़े धोता है, एक कोई झाड़ू पोछा करता है, तो क्या होता है, काम बढ़ जाता है और सरलता होता है जीवन जीने में, सहयोग मिलता है हमें। पत्नी ना हो या पति ना हो तो क्या जीवन अच्छे रूप में चल सकता है? नहीं चल सकता। लेकिन हम सोचे, जो हम द्वेष कहाँ कर रहे हैं, ईर्ष्या कहाँ कर रहे हैं, किसके लिए हम जलन कर रहे हैं, वही उसी के लिए जो हमारे लिए सहयोगी है, जो हमारे लिए हितकारी है, जो हमारा हित चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। परिवार के लोग ही हमें साथ दे सकता है, घर के लोग ही हमें साथ दे सकता है, उनके साथ हम वैर विरोध करें? कैसी हमारी साधना, कैसा हमारा सत्संग है, क्या हम पूजा पाठ कर रहे हैं? यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं और घर के लोगों से राग द्वेष कर रहे हैं तो हमारा पूजा पाठ करने का कोई लाभ नहीं है, सत्संग करने का कोई लाभ नहीं है।
तो मन की तरंग मान लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जो बुरी आदतें हैं, बुरी खान पान गलत है हमारा, गलत सोच है, उनको हम सुधार ले। सदगुरु कबीर का यही कहना है कि हम जो हमें जो गलत लगता है, जैसे शराबी को देखते हैं, जुआरी को देखते हैं या और कहीं दुर्व्यसन को देखते हैं, तो हमको जब गलत लगता है उन गलत बातों को हम छोड़े, दूसरे को करने न दे और ना ही स्वयं करे। तो मैं कह रहा था कि हम भक्ति की ओर आगे बढ़े। तो भक्ति करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, मैं बताया ना कि मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करते हैं किस लिए, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को चेताने के लिए कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं वेद शास्त्रों का ज्ञानी हो गया। लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। आप अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते, शास्त्रों में तो नीति की बात बताई गई है, धर्म की बात बताई गई है, लेकिन हम शास्त्रों को पढ़कर भी क्या अधर्मी बने रहेंगे, इससे काम बनने वाला नहीं है। यदि हम अध्ययन करते हैं तो अपने कल्याण के लिए, अपने आप के लिए, लेकिन हम करते वही करते में करने में ही हम चूक जाते हैं। इसलिए जो हम करना चाहते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो हम भजन में लगे, सही दिशा में लगे। यदि हम भजन करते हैं तो हमारा निर्मल मन निर्मल होना चाहिए। हमारे मन में जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, गलत आदतें हैं, वो दूर होना चाहिए। कोई दूसरा नहीं बताएगा, हम खुद आकलन करें। हम सत्संग में जाते हैं, संतों के ज्ञान की बातों को सुनते हैं, और घर में जा करके हम कितना सुधार कर रहे हैं हम तो जानते ही जानते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी, हमारे घर के लोग भी बता सकते हैं कि आप कितने सत्संगी हैं, आप कितना सुधार कर पा रहे हैं। और यदि ये सुधार ना हो, अगर सुधार ना हो पाएगा, तो फिर सत्संग करने का, अध्ययन करने का, पूजा पाठ करने का कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आज बड़े सौभाग्य है हम सबका जो संत जनों के बीच आए और सत्संग का लाभ ले रहे हैं, और इन सत्संग में हम ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। ना पूरा सुधार ना करें कोई बात नहीं, लेकिन धीरे 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 थोड़े थोड़े एक एक गलती को हम देखते जाएं, एक एक गलती को सुधार करते जाएं, तो निश्चित ही हम भी अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल बना सकते हैं, हम भी अपने मन को निर्मल बना सकते हैं। तो सत्संग में आकर के हम एक संकल्प ले, आज हम एक संकल्प लेकर के इस सत्संग से जाएं कि हम जो संत जन बताए हुए हैं उससे हम अपने जीवन का कल्याण करने का काम करें, कल्याण करने का काम करने का एक संकल्प लेकर के जाएं, हम अपने जीवन को संवारने का काम लेकर। जीवन तभी अच्छा बनेगा जब हम अपने विचारों को अच्छा करेंगे। हम अपने विचारों को अच्छा बनाएंगे तो हमारा मन भी अच्छा बनेगा, और मन भी अच्छा बनेगा तो फिर जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा। और आप सबका जीवन कल्याणमय हो, सुंदर बने, अच्छा बने, आप सब कल्याण मार्ग के प्रशस्त हो, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय।